ज़्यादा खुशी इस बात की भी सुरीन पाजी भी वापस आए इस सीजन में। ये तो हर साल ही आती हैं कोई ना कोई अनबन की खबरें, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पुराना, आई थिंक मुझे 15 साल हो गए हैं ITA में आते हुए। तो मैं नाबालिग था जब मैं आना शुरू किया था, अब मैं शादीशुदा 2 बच्चों का बाप हो गया हूँ और ITA भी 23 साल का हो गया है। सो मेरी शुभकामनाएं हैं ITA की पूरी टीम को, शशि रंजन जी को, अनु रंजन जी को और तमाम जितने भी हमारे दोस्त हैं, क्योंकि पूरी टीम अब हमारी दोस्ती है, इतने सालों से आना जाना है ITA में, और ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। जी नहीं, ये तो ये एक अच्छी बात है कि हमारा शो भी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आ रहा है और 192 कंट्रीज में आई थिंक नेटफ्लिक्स जो है वो आता है। सो अच्छी बात है, हमें भी एक नई ऑडियंस भी मिलेगी। हमारी इंडिया की ऑडियंस तो हमें इतने सालों से प्यार करती आ ही रही है, वो भी देखेंगे और दूसरे लोग भी देखेंगे और हमारे इंडियंस यू नो हर जगह ही, पूरे वर्ल्ड में हर जगह हैं। सो बड़ी खुशी इस बात की एंड ज़्यादा खुशी इस बात की भी सुरीन पाजी भी वापस हैं इस सीजन में। सो बस आप लोग भी ऐसे प्यार बनाइए रखेगा। थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। अच्छा थैंक यू पाजी, इसके अलावा एक चीज़ और आ रही चंदन प्रभाकर को लेकर के कि वो इस शो में नहीं है, कुछ अनबन की खबरें आ रही, इसपे क्या टेक है सोशल मीडिया? ये तो हर साल ही आती हैं कोई ना कोई अनबन की खबरें, ऐसा कुछ नहीं है। सो हर बार फॉर्मेट होता है, कुछ क्रिएटिव टीम के कुछ कॉल्स होती हैं, सो ये खबरें तो आती रहती हैं, इन सब में कोई सच्चाई नहीं है। थैंक यू डियर, थैंक यू।